अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आई टेक। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप लोअर थर्ड बना सकते हैं यूजिंग कैनवा। लोअर थर्ड जो है वो आमतौर पे आप मूवीज में देख रहे होंगे कि आपका नाम नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आ रहा होगा आपका नाम, और उसके नीचे होगा उनका रोल, मतलब वो एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, एज ए एक्टर हैं तो उनका नाम क्या है और उनका रोल क्या है। और यूट्यूब पे भी प्रोफेशनल जो वीडियोज होती हैं उनके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आप राइट कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे उनका नाम आ रहा होता है, उनका नाम और नीचे उनका रोल आ रहा होता है कि इनका काम आकर इस यूट्यूब की वीडियो में एज क्या है। ठीक है, तो वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप लोअर थर्ड बनाना सीखना चाहते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन तरफ, वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोअर थर्ड एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं यूजिंग कैनवा। YouTube लोअर थर्ड बनाने के लिए आप सबसे पहले आ जाएं canva.com पे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो जो लोअर थर्ड है वो यहाँ पे एज ए वीडियो ही एक्ट करेगा। उसके बाद आप अपनी कोई भी रेजोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है वो हम ग्रीन स्क्रीन रखेंगे ताकि आप उसको आसानी से रिमूव कर सकें। तो मैं यहाँ पे जो है वो वीडियो 1920x1080 पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप आसानी जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड प्रेस करके ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लाना चाहता हूँ तो मैं आर प्रेस करूँगा। ठीक है, ये आ गया मेरा रेक्टेंगल, इसको मैं कर दूँगा छोटा ताकि मैं इसको लोअर थर्ड भी यूज़ कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इतना काफ़ी है। ठीक है, और मैं इसको जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा वो इसके नीचे, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि ये जो है मेरी यहाँ पे आ सके। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाएंगे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए मैं टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। आप यहाँ से टेक्स्ट में जाके भी टेक्स्ट ला सकते हैं, और आप एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे रेक्टेंगल ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल पर बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स में आके ये जो लाइन्स एंड शेप्स है इसमें आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, और टेक्स्ट में आके आप यहाँ से हेडिंग या कोई भी टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि लैपटॉप पे हूँ तो मेरे लिए आसान था टी प्रेस करना और आर प्रेस करना। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे हैं तो ये आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है वो आपको अपना नाम लिख देना है जो कि लोअर थर्ड में होता है आमतौर पर। ठीक है, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पे, आप चाहें तो इसकी स्पेलिंग या इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सही नजर आए। ठीक है, अब मैं इसके फॉन्ट जो है वो थोड़ा चेंज कर लूंगा, ये थोड़ा बेहतर है, बोल्ड भी है। ठीक है, उसके अलावा मैं दूसरा टेक्स्ट भी यहाँ पे लाऊंगा जिसको मैं जिसमें लिखूंगा मैं अपना रोल। इस केस में मैं अपना रोल जो है वो कैनवा सर्टिफाइड प्रोफेशनल लिख देता हूँ या कैनवा सर्टिफाइड, क्योंकि मैं यहाँ पे कैनवा की वीडियो बना रहा हूँ तो कैनवा सर्टिफाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इस जगह पे लेके आना है, यहाँ मैं इसको सर्टिफाइड प्रोफेशनल कर देता हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इसमें पूरा हो जाए और नजर भी आए। यहाँ पे काफ़ी है। अब मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लूँगा, जो ये स्क्वायर बॉक्स है फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, और जो टेक्स्ट है वो मैं कर दूँगा यहाँ से आके आप इसको कर दें वाइट, ये बेहतर है। और इस बॉक्स का कलर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आके आप कोई भी कलर चेंज कर लें, ये आपको जो भी कलर पसंद आए, मेरे हिसाब से कोई भी लाइट कलर यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतर लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे हमारा जो है वो लोअर थर्ड बन चुका है, लेकिन अभी हम इसमें जो है वो एनिमेशन डालेंगे। एनिमेशन से पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दूंगा ताकि ये ग्रीन इमेज जो है वो आसानी किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में रिमूव हो सके। अभी हम इसमें डालेंगे एनिमेशन, तो एनिमेशन डालने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन है, आप वहाँ से पेज एनिमेशन भी डाल सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये भी बेहतर है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप हर किसी की अलग अलग एनिमेशन डालना चाहें जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आप वो भी कर सकते हैं।
जैसे ये भी बेहतर है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम जो है वो टेक्स्ट एनिमेशन, हम यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एनिमेशन आ जाएंगी सारी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट एनिमेशन, आप ये जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास एलिमेंट एनिमेशन आ गई होंगी तो इसका मतलब है आपने बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट को नहीं, ठीक है। तो आपके यहाँ टेक्स्ट एनिमेशन लिखा आ रहा है, तो आप यहाँ पे माउस ओवर करके चेक कर सकते हैं कि आपको जो है वो कौन सी एनिमेशन पसंद है। ये भी बेहतर है, ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे सारी जो मुझे ठीक लगी, तो ये बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसका भी मैं एनिमेट अलग अलग कर देता हूँ, उनके भी उसकी मैं, ये बेहतर है, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स एलिमेंट जो है उसकी उसको एनिमेट करेंगे। बॉक्स एलिमेंट जो है, यहाँ पे आप बॉक्स क्लिक करके एनिमेट पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपके पास लिखा होगा एलिमेंट एनिमेशन, ठीक है। आप यहाँ से इसकी अलग अलग एनिमेशन, आप अभी आप सिर्फ बॉक्स पे फिक्र करें कि बॉक्स की एनिमेशन क्या है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की एनिमेशन जो है वो दूसरी कर दूँ तो आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें बॉक्स जो है वो ठीक से दिखाई नहीं देगा। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट एनिमेशन पे और हम देखते हैं कि ये भी ठीक है, ये सही है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एनिमेट, और यहाँ पे ये भी बेहतर, ठीक है। तो आपके पास ये एनिमेशन अब बन गई है, आप यहाँ पे प्ले पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी एनिमेशन कैसी लग रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छी है, लोअर थर्ड मिनोरिटी कैनवा सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है। अभी अगर आपको जो है वो इसकी साइज जो है वो है 5 सेकंड, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेकंड है, आप इसमें जाके इसकी लेंथ जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि कितनी टाइम तक ये चलता रहे। 5 सेकंड एवरेज है, आप मेरे हिसाब से 5 सेकंड रख लें। अगर आपको कट करनी है तो आप अपनी वीडियो में से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 सेकंड एवरेज है, काफ़ी है मेरे हिसाब से, और उसके बाद आपको जो है वो आपकी एनिमेशन बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड में, और यहाँ पे आपको MP4 वीडियो सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप अपनी वीडियो में डालेंगे तो GIF एनिमेशन सही नहीं है, आप यहाँ पे MP4 को ही सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कर दें, आप इसको कहीं पे भी डाउनलोड कर दें। ये सिर्फ 75.76 किलोबाइट्स की है, जबकि ये 1920x1080 पिक्सल्स की थी, ठीक है। मैं इसको जो है वो अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, आपको चला के भी दिखाऊंगा उसके बाद। ये देखें, ये है मेरी एनिमेशन जो है फाइनल। अब मैं आपको यही एनिमेशन अपने वीडियो में भी ऐड करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये एनिमेशन मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है मेरी वीडियो में, ठीक है। बैकग्राउंड में मेरी वीडियो चल रही है, उसके आगे यहाँ पे मैंने जैसे ही एनिमेशन को डाला तो यहाँ पे जो है वो ग्रीन स्क्रीन आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपके पास ना आ रही हो, ये मैं जो है वो कैमटेसिया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन इस ऑप्शन में अगर आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी ना हो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर मॉडिफाई पे जाऊँगा, और मॉडिफाई पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा एड इफेक्ट। एड इफेक्ट में जाके मैं एड विजुअल्स करके यहाँ पे रिमूव अ कलर क्लिक करूँगा। रिमूव कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट एडिड हो गया, और यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज में आ गया कि आप कौन सा कलर जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। इस केस में मुझे ये कलर रिमूव करना है, तो यहाँ पे ये पहले ही सिलेक्ट है शायद, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे इसके ये कलर सेलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो के नीचे ये लिखा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको स्टार्टिंग में रख दें, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही होता है आमतौर पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोअर थर्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको कैनवा के बारे में दूसरी वीडियोस देखनी है तो आपकी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप वो देखें, या तो आपके मेरे चैनल पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी।